नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं। मुझे कल बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप किया, किसी ने मेल भेजा कि मिस्टर मनुकूल, वी वांट that you should make a video on goal setting. So मैंने सोचा आज क्यों नहीं इसी सब्जेक्ट पे बात करें, बिकॉज आज बच्चे बैठे भी हुए हैं, लॉकडाउन पीरियड है, दे हैव टाइम enough टू थिंक अबाउट कि वॉट एग्जैक्टली द गोल इज। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ गोल। मैं अगर आपको गोल लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा, GOAL। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट इज गो ऑल आउट, मतलब आप अपनी लाइफ को पाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देना, दैट इज गोल। गोल का एक साब्जेक्टिव मीनिंग भी है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माय गोल, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माय लाइफ। दो चीजें हैं, एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में मुझे नॉलेज लेना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है, और ऑब्जेक्टिविटी में सिंपल चीजें होती हैं कि हमें करना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली। कुछ लोग सब्जेक्टिविटी में बहुत आगे निकल जाते हैं और लाइफ में पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग ऑब्जेक्टिव में बहुत आगे हो जाते हैं, दे अर्न मनी, दे अर्न नेम एंड फेम, बट दे मिस सब्जेक्टिव थिंग्स। तो लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। विदाउट गोल वही बात हो गई कि मैं जा रहा हूं स्टेशन, अपना सारा सामान पैक कर लिया, मैंने अपनी सारी चीजें, किताबें रख ली, सारी चीजें रख ली, और जब मैं स्टेशन गया तो टिकट खिड़की के सामने खड़ा होके उस टिकट वाले ने पूछा, रेलवे के उस क्लर्क ने, कि भाई कहाँ का टिकट दूं। तो मैंने कहा कि कहीं का दे दो। तो ही स्टार्टेड स्टेयरिंग ऑन मी कि तुम ये पागल तो नहीं है, स्टेशन तक तो आ गया बट इसके आगे कहाँ जाना है इसको पता ही नहीं। तो जब मैंने कहा कहीं का दे दो तो मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा। तो इसका मतलब बड़ा सीधा है कि हम जिंदगी जब शुरू करते हैं तो हमारे पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव और क्लियर प्लान होना चाहिए लाइफ का कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। तो एक बात बहुत जरूरी है समझना कि लाइफ में कितनी चीजें हैं जिस पे हम प्लान कर सकते हैं। लाइफ को हम सेगमेंट में बांट सकते हैं। लाइफ का पहला जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई टोटल डेवलपमेंट हमारी होनी चाहिए, टोटल, यानी किसी एक एरिया में डेवलपमेंट नहीं, यानी टेंटेड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। आई हैव सीन मेनी पर्सनैलिटी, दे आर टेंटेड पर्सनैलिटी। सी मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बट कैन यू से हिम दैट ही इज अ टोटल पैक ऑफ ए पर्सनैलिटी? आई डाउट। तो अगर सक्सेसफुल को मैं बताऊं कि सक्सेस है क्या, तो सक्सेस का मतलब होता है कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी जिसमें हर आदमी अपनी छवि देखे, हर आदमी से वो कनेक्ट हो। तो उसके लिए हमें चार पांच चीजों की बात को सोच समझना पड़ेगा। पहली चीज कि लाइफ में कौन सी ऐसी चीज, चार पांच छह चीजें हैं जो आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केवल जीने के लिए नहीं। तो वो पांच चीजों को मैं अगर समराइज करूं तो पांच चीजें क्या हो सकती हैं? पहली चीज मैं अगर बोलूं तो एक पहली चीज है पर्सनल। गोल शुड बी पर्सनल। मुझे अगर सोशल भी बनना है, मुझे अगर बहुत बड़ा काम भी करना है, मुझे अगर पॉलिटिशियन भी बनना है तो मैं पर्सन पहले हूं, आई एम फर्स्ट एज एन इंडिविजुअल। तो मेरी पर्सनल गोल होनी चाहिए। फिर इस पर्सन को क्या करना चाहिए? दूसरा, पर्सन अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, तो फैमिली गोल होनी चाहिए हमारी। व्हाट इज माय फैमिली गोल? फिर तीसरी चीज, फैमिली चलेगी कैसे? पर्सन जो है वो चलेगा कैसे? बिकॉज दिस इज अ कमर्शियल एज, दिस इज इंफॉर्मेशन एज,
तो हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए. तो व्हाट इज माय फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल. अब हमारे पास पर्सन हो गया, हमारे पास फैमिली गोल हो गई, हमारे पास फाइनेंशियल गोल हो गया. अब हमारे पास चौथी चीज क्या होनी चाहिए? हमारे पास चौथी चीज होनी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा फाइनेंस के भी पहले है, दैट इज हेल्थ रिलेटेड गोल. देन फिफ्थ, व्हाट शुड बी फिफ्थ, मैं अगर बोलूं तो स्पिरिचुअल गोल. ये मेन पांच गोल के एलिमेंट्स है, मैं बोलूं कॉम्पोनेंट है. मी एज ए पर्सन आई एम डिवाइडेड इनटू फाइव कैटेगरीज, फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ माई लाइफ. इसमें अगर किसी गोल में मैं मिस करता हूं तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, दैट इज 100%. दूसरी चीज, अगर हमने इस पर्सनल, एक और गोल जो छूट गया जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, जो कि पर्सनल गोल का ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल गोल. पर्सन प्रोफेशन का है, वो पर्सन का आगे लाइफ में प्रोफेशन क्या हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन. अब अगर मैं इस पांचों के अलावा मैं देखूं कि इन पांचों को मैं सेगमेंटाइज कैसे करूं टाइम फ्रेम के अनुसार, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लान इट. अब इसमें हम टाइम के साथ गोल फिक्स करें, टाइम के साथ. तो फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल. देन मिड टर्म गोल, मिड टर्म. देन लॉन्ग टर्म गोल. एंड देन लास्ट लाइफ गोल. These are the four basic component of goals vis-a-vis time. Because life mein time bahut limited hai. I have 70 years to live in my life. So I cannot play whole life and I cannot plan my goals in such a way ki nahi ji ye main to kal kar lunga, ye to parso kar lunga, ye to kuch kabhi bhi kar lunga. I cannot say like that. I have to fix my time. तो what is the meaning of short term goal? Short term का goal मतलब जो मैं weekly करना चाहता हूं, जो मैं month में करना चाहता हूं, यानी एक month से maximum 30 days related time goal. और ये पांचों, this जो component है, उस पांचों के area में मैं week में क्या कर रहा हूं. मतलब मैं अगर इसको बोलूं कि 24 घंटा मेरे पास समय है, तो 24 घंटे multiplied by 7 days, इतना मेरे पास समय है इस वीक में. तो इस वीक में मैं किस, इस पांच कंपोनेंट में जो पांचों हेड्स हैं, उसमें मैं कितना टाइम देना चाहता हूं फॉर गोल अचीवमेंट. उसके बाद अगर मैं ये रोज करता जाऊं, आप अपने, मैं अपनी एक हैबिट बना लूं, तो मिड टर्म गोल हो गया 1 year to 5 year. एंड लॉन्ग टर्म गोल विल बी 20 years टाइम. मैं 20 साल बाद अपने आप को कहां देख रहा हूं. एंड लाइफ गोल मीन्स मरते समय, मैं मरने के समय अपने आप को कहां देख रहा हूं. ये सारे गोल्स के प्लान है. तो ये बहुत देखने में आसान लग रहा होगा, इट इज नॉट वेरी इजी टू इंप्लीमेंट इट. एवरी कॉम्पोनेंट शुड बी वेरी क्लियर. हमें हर कॉम्पोनेंट को बहुत क्लियर करके समझना होगा. लेकिन सारे लोग क्या करते हैं, प्रोफेशन को आगे कर देते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. But you cannot say that my health is not very important. You cannot say that my family is not very important. You cannot say that my financial aspect of my goals is not very important. So all these goals, five component of the goal are interwoven. ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर मैं profession में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, my family is not supporting me, I cannot get successful in my life. I am doing very good in profession, but I am not keeping my health, so I cannot get success in my life. I am doing all the very good things in my job, my family is also supporting me, my health is also good, but my financial management is very poor, so I will not be successful in my life. So this all five components of the goals, compartments are very important. Like train, there are many, many compartments, but the most important compartment is engine, and you're sitting on the driver's seat,
And these all are the five compartments of the train of life. So, इस पांचों डब्बे की स्पीड उतनी ही होगी जितनी ड्राइवर की होगी, जितनी इंजन की होगी. तो इंजन इज पर्सन. द सेकेंड बोगी इज हेल्थ. द थर्ड बोगी इज स्पिरिट. द फोर्थ बोगी इज फैमिली. एंड द फिफ्थ बोगी कम्स टू फाइनेंस. हमें अपने आप को आगे रखना पड़ेगा. दैट्स वेरी सिंपल. आई होप that you will set your goals likewise. अब मैं छोटी सी चीज एक और चीज बताना चाहता हूं जो शायद आपको इसको बनाने में मदद आए. प्रोफेशनल गोल आपको सेट करना है तो वो कैसे सेट करें? आज से अगर 5 साल 7 साल पहले की बात होती तो शायद ये बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी उस लेवल पे आ गई है जहां पे हर चीज हमारे हाथ में है. अब प्रोफेशनल गोल सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं. हावर्ड गार्डनर तो साइकोलॉजी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट ऑफ हावर्ड यूनिवर्सिटी. ही सेज हमारे पास 8 इंटेलिजेंस हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस. 3 इंटेलिजेंस को जोड़ने के बाद एक करियर डिसाइड होता है. तो आई थिंक यू कैन गो फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर नोइंग इट और DMIT टेस्ट. साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट है, दैट इज बिट इकोनॉमिकल, जो केवल 1000 रुपीज के आसपास का कॉस्ट आता है. और DMIT टेस्ट जो डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो फिंगरप्रिंट बेस्ड टेस्ट है, वो थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट है. अगर आप चाहते हैं कि आप अपना सब गोल और अपनी सारी कंपोनेंट, अपनी ये पूरी गोल सेटिंग के ऊपर काम करें तो आई कैन गाइड यू, आई कैन वॉक विथ यू फॉर 60 डेज पीरियड. लगातार आपके साथ काम करूंगा 1 घंटे रोज ऑनलाइन और आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप से जुड़ूंगा. पहले दिन गोल फिक्स होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा. दूसरे दिन उसके ऊपर अब एक एक्शन प्लान बनेगा कि भाई अब हमको क्या क्या करना चाहिए इन पांचों कॉम्पोनेंट को ठीक करने के लिए. उसके बाद तीसरे दिन अब एक्टिविटी चॉकआउट होगी कि हाँ जी कैसे, कौन उसको मॉनिटर करेगा, व्हाट यू हैव टू प्ले, व्हाट योर पेरेंट्स हैज टू प्ले एंड व्हाट यू हैव मी हैव टू प्ले द रोल. और उसके बाद लगातार 60 दिनों तक एक फिक्स्ड परफॉर्मा पे आई विल मॉनिटर योर ग्रोथ. तो 60 दिन के अंदर जाके ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, चूंकि गोल सेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं मुझे मालूम नहीं. मैं सो रहा हूं, क्यों सो रहा हूं मुझे मालूम नहीं. मैं खाना खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं मुझे मालूम नहीं. यानी जब तक मुझे ये क्यों का आंसर नहीं मिलेगा कि व्हाई आई एम डूइंग इट, आई विल नॉट गेट द आंसर. आप जब सवाल पूछते हैं तभी आपको जवाब मिलता है. आप जब रोए थे तब माँ ने दूध पिलाया था, तो आपके अंदर से जब वो आवाज आएगी कि मुझे क्यों चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूं, ये W7H आपको बार बार पूछना पड़ेगा. W7H. लेकिन हम क्या करते हैं, ये W7 पूछते नहीं, केवल H पे बात करते हैं. H means how, सर हम कैसे डॉक्टर बन जाएंगे. अरे इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लाइफ. मैं कैसे बनूंगा डॉक्टर ये मेरा ईश्वर जानता है, वो बना देगा. मुझे पहले डिसाइड करना है कि मैं डॉक्टर हूं या नहीं हूं. तो उसके लिए W7 पे बात करना पड़ेगा. अंग्रेजी डिक्शनरी में 7 क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स हैं. What, when, which, why, who, whom, where, ये सारे सवाल जब मैं अपने से पूछूंगा तब ये जाके निकल के सारे गोल्स मेरे सामने आएंगे. और तब मैं टाइम फ्रेम में उसको सेट करूंगा और फिर मैं एक एक्टिविटी चॉकआउट करूंगा और अल्टीमेटली आई विल रीच माई एवरी गोल ऑन फिक्स्ड टाइम. आई होप यू नाउ नो व्हाट इज कॉल्ड गोल सेटिंग. मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं YouTube पे गोल सेटिंग पे, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड ऑन एनी ऑफ वीडियो दैट इज लाइंग ऑन YouTube. तो मैंने सोचा आज थोड़ा डिटेल बात करूं कि व्हाट इज गोल सेटिंग. गोल सेटिंग उतनी आसान चीज नहीं है जितना सब समझते हैं. बिना गोल सेटिंग के लाइफ में आगे एक दिन भी महना मुश्किल है. मुझे तो मन नहीं लगता अगर मुझे नहीं पता हो कि आज मुझे क्या करना है. अगर मुझे गोल के बारे में
पता ही नहीं है कि मैं आज सुबह क्यों उठूंगा, तो नेचुरली मेरा सुबह सब बर्बाद होगा, मेरा दिन बर्बाद होगा, और फिर एक दिन दूसरे दिन से जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इन। मेरा परिवार मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरा पैसा मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरा भगवान मेरे से जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया उस एक एक दिन, एक एक दिन को तोड़ते हुए, एंड अल्टीमेटली आई गॉट फेलियर इन माई लाइफ और रिग्रेट्स। तो इफ यू रियली वॉन्ट टू नो द गोल, वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, गेट कनेक्टेड विद मनुकूल ऑन व्हाट्सएप और फोन और ईमेल। यू कैन गो टू माई Facebook page and you just give me your reply, your remarks, your questions on the subject. Or if you want that I should fix your goal, मैं आपका goal fix करूं, मैं आपको 60 दिन तक monitor करूं, मैं आपकी activity plan करूं, वो भी आप request कर सकते हैं और मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। Are you? आप करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो समय बर्बाद नहीं करने का है। ये जो समय अभी आपके पास 15 दिन लॉकडाउन का मिला है और अब 3 मई तक आपके लॉकडाउन बढ़ गए हैं, फिर गर्मी की छुट्टियां हैं, आप इस टाइम को यूज़ कीजिए और अब जब लॉकडाउन ख़त्म हो और स्कूल खुले और आपका जो नई लाइफ शुरू हो लॉकडाउन के बाद, यू जस्ट फील योर सेल्फ अ गोल ओरिएंटेड पर्सन इन लाइफ, अ डिफरेंट पर्सन इन द लाइफ एंड well equipped person in your life and face the life. That's very simple. So thank you. Namaskar.